हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिरके वाली प्याज बनाना बताऊंगी। आप होटल में, रेस्टोरेंट में या फिर ढाबे पे हमेशा आपको ये प्याज खाने को मिलती है और बहुत ही इजी सी रेसिपी है। इसमें मैं कोई आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं करूंगी और नेचुरल कलर से इसको बनाऊंगी। और एक ट्रिक भी दूंगी कि आप इसको लॉन्ग टाइम तक कब की स्टोर करके रख सकते हैं। या फिर जिनको कोलेस्ट्रॉल की आपके प्रॉब्लम पास है अगर कोई जार हो या उनके लिए कांच का ये ऐसा बहुत कुछ भी फायदेमंद हो, होगा। आप उसमें स्टोर करके रख पाएंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, तभी आपको समझ में आएगा कि ये कैसे बना है। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या जिनको डायबिटिक पेशेंट है या जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, उन लोगों के लिए प्याज काफ़ी फ़ायदेमंद है। अभी मैं आपको इसको कट करके बताऊंगी। ये देखिए, प्याज अंदर तक पूरा सिरका ऑब्जर्व कर ली है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। ये 8 से 10 मैंने बेबी अनियन ले लिए हैं, इसमें छोटे ही प्याज लेने हैं होते हैं। अब मैं आपको इसको कट करके बताऊंगी कि इसको किस तरीके से कट किया जाता है। ऊपर वाला पार्ट बहुत थोड़ा सा निकालना होता है, बिल्कुल इस तरीके से। अब नीचे से हल्का सा कट करना होता है, बहुत ज़्यादा पूरा मत कट करिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से। मैं और भी प्याज आपको कट करके दिखा दे रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से प्याज कट करना है। इसी तरीके से मैं बाकी के भी प्याज कट कर लूँगी। ये देखिए, इसी तरीके से सारे प्याज को कट कर लेना है। प्याज को धुल के एकदम सुखा कर लेना है। देखिए, मैंने सारे प्याज कट कर लिए हैं। ये मैंने आधा बीट रूट यानी चुकंदर लिया है, 8 से 10 हरी मिर्ची आधा कट करके ले ली है, 8 से 10 काली मिर्च, 8 से 10 लौंग, 1 तेज पत्ता ले लिया है। चलते हैं अब इसको बनाते हैं। एक भगोने में मैंने 1 गिलास के करीब पानी रख दिया है बॉयल होने के लिए। अब मैं इसमें लौंग डाल दूंगी, काली मिर्च, तेज पत्ता। इसको बॉयल आने देंगे। तीन चम्मच चीनी डाल दूंगी। चीनी को मेल्ट होने तक पकाना है। और 1 चम्मच नमक डाल दूंगी। सिरका वाली प्याज बनाने में पानी को बॉयल करना बहुत ज़रूरी होता है। पानी बॉयल होगा तो सारे मसाले भी ऑब्जॉर्व कर लेगा, सारा टेस्ट पानी में आ जाएगा। और चीनी और नमक भी डाल देंगे इसमें। इन सबको मेल्ट होने तक, 1-2 बॉयल आने तक इसको पका लेंगे पानी को। चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। अब मैं इसमें बीट रूट डाल दूंगी। बीट रूट से काफ़ी अच्छा कलर आएगा, ये नेचुरल कलर है। इसको भी 1-2 बॉयल आने तक पका लेंगे ताकि कलर काफ़ी अच्छे से आ जाए। बिल्कुल नेचुरल कलर है। ये देखिए, पानी हमारा बॉयल होने लगा है। अब इस स्टेज पे मैं गैस ऑफ कर दूंगी और पानी को ठंडा कर लूंगी। ये देखिए, पानी हमारा एकदम से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें आधे की कटोरी के करीब सिरका डाल दूंगी। ये वाइट विनेगर है, इसमें डाल के मिला लूंगी। ये आपको इजीली हर मार्केट में मिल जाएगा। इसको अच्छे से मिला लेंगे पानी में। ये मैंने एक जार ले लिया है, इसमें मैं अनियन डाल दूंगी। टिप आपकी यही है कि अगर आप सिरके वाले प्याज बना रहे हैं तो आप इसमें
अनियन भी एकदम से सूखी हुई होनी चाहिए और जार भी आपका एकदम सूखा हुआ होना चाहिए, तभी ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है। अगर आपका जार या प्याज थोड़ा सा भी गीला रहेगा तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। अब मैं इसमें इस सिरके वाला पानी डाल दूंगी। देखिए कितना अच्छा कलर आया है सिरके का, है ना, एकदम नेचुरल कलर, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है। इसी तरीके से मैं बाकी का सिरका से जार भर लूँगी। देखिए मैंने भर लिया है सारा जार। दूसरी टिप ये है कि इसको बंद करके हमें इसको 24 घंटे के लिए रखना है। आप कोई भी जार लीजिएगा, वो उसको 24 घंटे के लिए आप इसको स्टोर बंद करके रख दीजिएगा, ताकि प्याज सारे सिरके को ऑब्ज़र्व कर ले और अंदर तक सारा टेस्ट इसका पहुंच जाए प्याज में, ताकि ये काफ़ी अच्छी लगेगी। और ताज़ा इसको एकदम से मत खाइएगा, 24 घंटे के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, उसके बाद इसको खाइएगा, तभी बहुत अच्छा लगेगा। 24 घंटे होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 24 घंटे हो गए हैं, अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। प्याज सारा ये देखिए प्याज हमारा सारा ऑब्जर्व कर लिया है। अभी मैं आपको इसको निकाल के भी दिखाऊंगी। ये देखिए मैं इसको निकाल के दिखा रही हूँ, प्याज ने अंदर तक पूरे सिरके को ऑब्ज़र्व कर लिया है और इसमें मिर्ची का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपका प्याज ये ख़त्म हो जाता है तो आप 2 से 3 बार आप इसमें प्याज डाल के रिसाइकिल भी इसको कर सकते हैं, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। एक बार का प्याज 15 से 20 दिन के लिए बहुत अच्छे से आराम से चलेगा, एकदम से ख़राब नहीं होगा अगर सेम प्रोसेस से बनाएंगे तो। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।